गुड मॉर्निंग क्लास. व्हेन आई स्टार्टेड चैप्टर 3 पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस इन लेक्चर 1 वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक 1 टॉपिक 2. दीज टू टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड इन लेक्चर 1 एंड थर्ड टॉपिक वी हैव स्टार्टेड इन लेक्चर 1 एंड इन थर्ड टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. नाउ इन दिस लेक्चर 2 वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स मेरिट्स डीमेरिट्स एंड इट्स सुटेबिलिटी. सो लेट्स स्टार्ट from the merits of departmental undertaking. See, merits of departmental undertaking are, first merit kya hai, effective control. See, before starting this merit, let me tell you, departmental undertaking hamara kya tha? Departmental undertaking, it is the oldest form of public enterprises. हमने मीनिंग में इसका पढ़ा था. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज एक्चुअली द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. पब्लिक एंटरप्राइजेस का सबसे पुराना फॉर्म था, राइट. गवर्नमेंट का इसका प्रॉपर कंट्रोल रहता है बिकॉज इट इज डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. सो फर्स्ट मेरिट विल बिकम इफेक्टिव कंट्रोल. कंट्रोल जो रहता है दैट इज वेरी इफेक्टिव. वाई? बिकॉज इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री. क्योंकि मिनिस्ट्री का प्रॉपर कंट्रोल रहता है सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव कंट्रोल. सो मेरिट्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. ओके, सेकेंड हमारा मेरिट आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी वर्ड आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो अर्लियर. अकाउंटेबिलिटी मीन्स यू हैव टू आंसर समवन. कि आपने, आपको किसी ने काम असाइन करा है, उस काम के लिए यू हैव टू आंसर वेदर यू हैव कम्प्लीटेड और नॉट. सो देर इज ऑलवेज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. पब्लिक को आपको हमेशा आंसर करना पड़ता है. वाई? बिकॉज हमने अभी पढ़ा मेरिट इसका. कंट्रोल जो रहता है दैट इज़ वेरी डायरेक्ट, दैट इज़ वेरी सेंट्रलाइज. कंट्रोल मिनिस्ट्री का सीधा रहता है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दैट कैन बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में इसकी सारी एक्टिविटीज डिस्कस होती हैं. सो देर इज ऑलवेज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. मीन्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव ऑल्सो टू आंसर पब्लिक फॉर एनीथिंग. वाई? बिकॉज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंट्रोल इज वेरी डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक्टिविटीज आर ऑलवेज डिस्कस इन द पार्लियामेंट. सो देर इज ऑलवेज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट मेरिट आता है सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. वाई? बिकॉज जितना भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कमाती है, मीन्स द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जितना भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का रेवेन्यू है दैट डायरेक्टली गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जितना भी हमारा रेवेन्यू है वो सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है. सो गवर्नमेंट के लिए इट बिकम अ सोर्स ऑफ द इनकम. रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डायरेक्टली गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड सो इट बिकम अ गुड सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द गवर्नमेंट. नेक्स्ट हमारा मेरिट आता है सीक्रेसी. सीक्रेसी क्यों? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, सीक्रेसी में क्या है, द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर हाईली सीक्रेट. जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की एक्टिविटीज़ हैं दीज आर हाईली सीक्रेट. वाई? बिकॉज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अपनी एक्टिविटीज़ को डिस्क्लोज नहीं करती है. इट अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द प्ले ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक के कहने पर एक्टिविटीज़ डिस्क्लोज नहीं होती हैं तो एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज रिमेन सीक्रेट. ड्यू टू सीक्रेट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमारी बेस्ट मानी गई है, हमारी वहाँ पर सूटेबल मानी गई है जहाँ पर सीक्रेसी की रिक्वायरमेंट है. लाइक वॉट? वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न. जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, जैसे डिफेंस की बात होती है तो डिफेंस में सीक्रेसी चाहिए होती है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वुड बी द मोस्ट सूटेबल. वाई? बिकॉज एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर ऑलवेज सीक्रेट. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. Control is very effective because it is under the direct control of the ministry. Public accountability will always be there. Why? Because it is having the effective control. Just because effective control है उसी के लिए public accountability है. Government का income का source माना गया. Why? Because जितनी भी departmental undertaking के revenues हैं
The revenue that is earned by the departmental undertaking directly goes to the government treasury, so it becomes a source of income for the government. And the activities of departmental undertaking are always secret. Why? Because departmental undertaking does not disclose all the activities, so it remains secret. Due to secrecy, where national security is concerned, जहाँ पर national security की बात करी गई, तो departmental undertaking would be most suitable. Why? Because activities are always remain secret. So these were the merits of departmental undertaking. Let's discuss more. It's demerit. See, first demerit क्या कहता है? Fail to provide flexibility. कहता है departmental undertaking में ना flexibility नहीं रहती. Flexibility means what? You can change anything. मतलब flexibility मतलब आप कुछ भी change कर सकते हैं. Change मतलब आप expand कर सकते हैं, आप decrease कर सकते हैं, आप कुछ further decision ले सकते हैं. Means you are independent. तो लेकिन departmental undertaking में flexibility नहीं रहती. Fail to provide flexibility. Flexibility होना is very important. See, flexibility which is very essential for every business enterprise. हर एक business enterprise के लिए flexibility होना बहुत ज़रूरी है, but departmental undertaking it always fail to provide flexibility. Flexibility यहाँ नहीं रहती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों flexibility नहीं रहती? Because it is a part of the government. Government का totally part है, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रहता है, तो अपने आप ये कुछ भी डिसीजंस नहीं ले सकते, तो फ्लैक्सिबिलिटीज में नहीं रहते. सेकेंड आता है डिले इन डिसीजंस. डिसीजंस जो भी लेते हैं हमेशा इसमें डिले होता रहता है. व्हाई? बिकॉज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जितने भी एम्प्लॉयज हैं दे आर नॉट अलाउड टू टेक इनडिपेंडेंट डिसीजंस. The employees of the department undertaking are not allowed to take independent decisions. ये नहीं ले सकते without the approval of the ministry. Ministry का जब तक approval नहीं आएगा they are not allowed to take independent decision. जब अपने आप decisions नहीं लेंगे ministry वो बोलेगा फिर आप decision लोगे वो फिर आगे approval होगा, तो decisions will always be delayed. Why? Because you cannot allow to take independent decision. See, if I am not able to take independent decision, I need to take approval from someone. मुझे independent decision नहीं ले सकती क्योंकि मुझे किसी और से पूछना है. तो जब decisions लेने का time आया है when I am unable to take the decision, I need to ask from someone. So decision will all automatically be delayed because आपको पूछना पड़ेगा किसी से तुरंत. On the spot you cannot take decisions. So decision will always be delayed. नेक्स्ट आता है अनेबल टू टेक बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी नहीं उठा सकते जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैं. दे आर नॉट अलाउड टू टेक द एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट भी नहीं उठा सकते. दे आर नॉट अलाउड टू टेक रिस्की वेंचर. अगर इनको मार्केट में लग रहा है कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दे हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, स्टिल दे कैन नॉट टेक. वाई? बिकॉज आपको ऊपर से पूछना पड़ेगा. मीन्स कि जितने भी कंजर्वेटिव अप्रूवल हैं वो डज नॉट अलाउ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग टू टेक रिस्की वेंचर. रिस्की वेंचर नहीं ले सकते, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते बिकॉज इनको ऊपर से पूछना पड़ेगा. दे नीड टू आस्क फ्रॉम द हायर अथॉरिटी. अप्रूवल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. रेड टेप इज मीन डे टू डे एक्टिविटीज. अगेन सेम पॉइंट आ रहा है आपका. डेली की एक्टिविटीज़ में रेड टेपिज्म लगता है. रेड टेपिज्म मतलब डिले. काम जितना भी वो करते हैं डेली जो भी काम होता है वो डिले होता जाता है. डिले क्यों होता जाता है? बिकॉज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कोई एक्शन नहीं ले सकता. नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ द अथॉरिटी. कोई एक्शन कुछ काम ही नहीं कर सकते जब तक आपको पूछा ना जाए. तो डेली एक्टिविटीज़ में भी डिले आता है, डिसीजंस में भी डिले आता है बिकॉज यू नीड टू आस्क फ्रॉम द हायर अथॉरिटी. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज ऑलवेज देयर. गवर्नमेंट का हमेशा इंटरफेरेंस रहता है. सो इट बिकम द डीमेरिट. सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. फ्लैक्सीबिलिटी नहीं रहती विच इज़ वेरी असेंशियल. डिसीजंस हमेशा डिलेड होते जाते हैं बिकॉज एम्प्लॉयज आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन. बिजनेस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं उठाती हैं. डेली के काम में भी देरी रहती है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हमेशा रहते हैं.
So these are the merits and demerits of departmental undertaking. एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट. मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या है? कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज डायरेक्ट एंड कंट्रोल, राइट. यही मैंने बताया आपको. देर इज डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल. परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट, सो देर इज ऑलवेज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. थर्ड मैंने आपको बताया था सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी एंड हेंस इट इज अ सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द गवर्नमेंट, राइट. फोर्थ मैंने आपको सीक्रेसी बताया था. एक्टिविटीज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट बिकॉज गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द फ्री ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट ड्यू टू सीक्रेसी. जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की बात करी जाए, दिस फॉर्म इज वेरी सूटेबल. वाई? बिकॉज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर. ये मैरिट्स हमने करे. फिर मैंने डीमेरिट्स फ्लेक्सिबिलिटी बताया था मैंने. फ्लेक्सिबिलिटीज में नहीं होती, विच इज वेरी असेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. Second, I told you, employees are not allowed to take independent decisions, so decisions will always be delayed. Third, मैंने आपको बताया business opportunity का benefit नहीं ले पाते because the bureaucrats over caution and conservative approval. मतलब जो ऊपर की authorities बैठे हैं, bureaucrats हैं, conservative approach है जिनकी, वो allow ही नहीं करते departmental undertaking को to take risky venture. So these enterprises unable to take opportunities. Political interference बहुत ज़्यादा रहता है. Red tapism रहता है day to day activities में, यानी daily के काम में भी delay होता जाता है. कोई भी action आप नहीं ले सकते जब तक आप proper channel से नहीं pass हो. मतलब जब तक आप ऊपर से नहीं पूछोगे तब तक आप कोई भी action नहीं ले सकते. तो actions में भी activities में भी delay होता जाता है. सुटेबिलिटी की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सुटेबल है इन केसेस में जहाँ पर सीक्रेसी की रिक्वायरमेंट है. अभी हमने मेरिट पढ़ा था. वेयर सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वुड बी मोस्ट सुटेबल. वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वुड बी मोस्ट सुटेबल. जैसे ब्रॉडकास्टिंग में आपको गवर्नमेंट का प्रॉपर कंट्रोल चाहिए होता है. जहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाना है लाइक एयरक्राफ्ट आयरन एंड स्टील, तो उस केसेस में भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वुड बी मोर सूटेबल. एंड दिस अंडरटेकिंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू. जैसे रेलवे में बताया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जितना भी रेवेन्यू है दैट गोज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, सो इट बिकम अ सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट्स डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड इट्स सूटेबिलिटी. So here we have completed the topic 1, departmental undertaking.